पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का ग्राफ दिनों दिन बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स मुताबिक यह इंडस्ट्री इंडिया में सब तो बड़ी इंडिपेंडेंट म्यूजिक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसका टर्नओवर लगभग 800 करोड़ रुपए के करीब है। पर तुहानू यह जान के हैरानी होगी कि तुहाडा फेवरेट स्टार या सिंगर इन्ने भी पैसे नहीं कमाता जिन्ना यह सब कुछ दिस रहा है। सीधे और साफ शब्दों में कहिए तो यह इंडस्ट्री भी कनेडा की LMI वांग ही ओवरवर्क और अंडरपेड है। इस पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री माफिया और अंडरवर्ल्ड असिध तरीके रन करता है, जिसका खुलासा बाई सिद्धू मूसेवाले की मौत तो बाद साफ तौर पर हो चुका है। यह सारा ताम झाम और मायाजाल सिर्फ साड़ी इंडिया या बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं है, सगो कि इसका शिकार वर्ल्डवाइड वड्डे सिंगर्स भी हो चुके हैं, जिन्हों में टेलर स्विफ्ट और काइनी वेस्ट के नाम भी आते हैं। जो असी इस बारे रिसर्च की तो एडे वे नाम सुन के एक बार तो यह लगा सी कि यार कलाकार के जज्बातों को हैडफोन से सुनना तो हूँ किसी गुनाह तो कट नहीं है। गल शुरू करते हाँ काइनी वेस्ट तो। सितंबर 2020 इस मशहूर सिंगर ने अपने ग्रैमी अवार्ड, जिसनू कि म्यूजिक का ऑस्कर का दर्जा हासिल है, उसनू टॉयलेट में सुट के उस उत्ते पेशाब करते हुए एक ट्वीट किया, जिस विच वेस्ट ने कहा सी कि अजकल की म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। असल विच काइनी वेस्ट नू रॉकफेलर म्यूजिक कंपनी ने साइन किया सी, जिन्हों तो तंग आके काइनी ने यह सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नू पब्लिक करते हुए दस्या सी कि किस तरह यह म्यूजिक कंपनी वाले उसनू गुलाम बना के एक मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं। असल विच काइनी वेस्ट नाल इस रिकॉर्ड लेबल ने मास्टर साइन किए सन। दोस्तों मास्टर का मतलब हुंदा है कि किसी भी सिंगर का कोई भी गाना कित्थे चलाया जाएगा, कदों चलाया जाएगा और कित्थे उस गाने नू बजाउण उत्ते पाबंदी होगी, इस सब का फैसला म्यूजिक कंपनी वाले करनगे और इस सब तो होने वाली कमाई नू भी रिकॉर्ड लेवल वाले ही कंट्रोल करते हैं। मतलब कि यूट्यूब और स्पॉटीफाई तो लैके लाइव अखाड़िया और कॉन्सर्ट्स तक का सारा हिसाब किताब रिकॉर्ड लेवल को ही होगा, जिस तो बाद रिकॉर्ड लेवल वाले आर्टिस्ट को कुछ पैसे देंदे हैं, जिसनों काइनी वेस्ट ने गलत दसिया सी। और दोस्तों एहो जिहा रलदा मिलदा केस ही बाई सिद्धू मूसेवाले गायक कुलविंदर विले नाल भी हो चुका है। इस तरह का एक मशहूर किस्सा सिंगर टेलर स्विफ्ट नाल भी होया सी। टेलर स्विफ्ट जो 15 साल की सी तो उस वेले उसनों एक रिकॉर्ड लेवल वाले ने अगले 13 साल लिए साइन कर लिया सी। घट उम्र में इस सब की समझ ना होने करके टेलर स्विफ्ट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पिया सी। अंत साल 2019 लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई तो बाद टेलर ने अपने पुराने सोंग्स को री रिकॉर्ड करके स्रोतों सामने लैके आंदा सी। दोस्तों इस करके ही अजकल के नवे सिंगर किसी भी रिकॉर्ड लेवल नाल साइन करने बजाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिमें कि यूट्यूब और स्पॉटीफाई को तरजीह देते हैं। इंडस्ट्री दी रिपोर्ट्स मुताबिक किसी कलाकार की कमाई विचों रिकॉर्ड लेवल वाले एवरेज 70-80% तक कमाई आप रखते हैं। इस तो अगे जे आप होर भी फैक्ट्स या फिगर्स की गल करिए तो म्यूजिक इंडस्ट्री सारे वर्ल्ड में लगभग 16 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इस वड्डी इंडस्ट्री 90% कंट्रोल मोटे तौर पर इन्हां तिना कंपनीज कोल है, जिन्हें सोनी, वॉर्नर म्यूजिक ग्रुप और यूनीवर्सल वर्गे कंपनियों के नाम आते हैं। दोस्तों वर्ल्ड के किसी भी वड्डे आर्टिस्ट को सीधे या असिधे तरीके इन्हां तिना कंपनियों ही काम करना पैंदा है। जे कोई होर कलाकार इंडिपेंडेंट हो के भी आप सीधा स्पॉटीफाई थ्रू काम करना चाहे तो यह काम काफ़ी औखा है, क्योंकि उत्थे भी कलाकारों इन वड्डियां ब्रांड्स नाल कंपीट करना पैंदा है, जो कि काफ़ी मुश्किल है पर असंभव नहीं। जो तुसी इन वड्डे म्यूजिक लेवल की कुंडली फोड़ते हो तो यह गल बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस म्यूजिक लेवल पिछे किहड़े माफिया का हथ है। इंडिया के सब तो वड्डे म्यूजिक लेवल टी सीरीज़ की गल करिए इस शुरू करने वाले गुलशन कुमार का कतल भी इस माफिया की भेंट ही चढ़िया सी, जिसका दोष दाऊद इब्राहिम और टी सीरीज़ की एक कॉम्पीटेटर कंपनी उत्ते लगता है। इस तो बिना दाऊद इब्राहिम दियां टाइम बाय टाइम वड्डे एक्टर्स नाल तस्वीर भी वायरल हो चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड का एडॉन किदा मूवीज़ ते सॉन्ग का प्रोड्यूसर बन के अपने ब्लैक मनी नू वाइट कर रहा है, इस बारे कोई भी गल लुकी छुपी नहीं है। किहड़ी फिल्म विच किहड़ा हीरो जां हीरोइन नू रोल मिलेगा, किहड़ा सिंगर किस फिल्म के गाने गाएगा, किहड़ा राइटर जां डायरेक्टर किहड़ी फिल्म नू करेगा, इन्हां सब दियां तारां दुबई तो ही खड़कदियां हन, जिस बारे काफ़ी जाने दबी आवाज़ विच गल तां कर चुके हन पर कोई भी डरदा अगे नहीं आउंदा। हॉलीवुड और बॉलीवुड तो बाद गल करते हाँ एशिया की, मतलब कि कोरिया ते चाइना की, जिसनों की के पॉप इंडस्ट्री के नाम नाल जाने जाता है। इसका सब तो मशहूर चेहरा ब्लैक पिंक है। इस इंडस्ट्री में छोटी उम्र के बच्चों को सिंगिंग कॉम्पीटिशन चुन के वड्डे रिकॉर्ड लेवल वाले साइन कर लेते हैं, जिस तो बाद शुरू होता है मॉडर्न स्लेवरी
मतलब कि गुलामी का सफर। इन्हां चुने हुए आर्टिस्ट उत्ते बहुत सारियां सख्त पाबंदियां लगा दित्तियां जांदियां हन, जिस विच इन्हां नूं खाण पीण तों लै के रिलेशनशिप विच जाण तों पहलां भी रिकॉर्ड लेवल वालियां दी मंजूरी लैणी पैंदी है। अमेरिकन आइडल, इंडियन आइडल अते इह सब रियलिटी अते अवार्ड शोज़ भी इस दियां ही एग्जाम्पल्स हन। केपॉप इंडस्ट्री दे कुछ कलाकार ने यह भी दस्सिया है कि रिकॉर्ड लेवल वाले उन्हां नूं बहुत ही ज़्यादा मानसिक अते शरीरिक तौर पर परेशान करते हैं, अते जिस करके इन्हां दे बहुत सारे कलाकार दीआं स्टेज उत्ते बेहोश अते मौत होण दे खबरां टाइम बाय टाइम आउंदियां रहिंदियां हन। इस करके इस इंडस्ट्री विच सब तों वध सुसाइड, ड्रग, मेंटल इशू अते हरासमेंट दीआं न्यूज़ भी देखण नूं मिलदियां हन। इन्हां सब कारणां करके ही इस चमक दमक नाल लैस दिसण वाली म्यूजिक इंडस्ट्री दे 70% तों वध आर्टिस्ट डिप्रैशन दा शिकार हो जांदे हन, जिस दा एग्जाम्पल बाई सिद्धू मूसेवाले दा सोंग एवरीबडी हर्ड विच साफ तौर ते देखिया जा सकदा है। इस सब तों बचण वास्ते अक्सर ही कलाकार ड्रग्स विच पै जांदे हन अते सुसाइड तक भी कर लैंदे हन। न्यूज़ विच अक्सर ही इन्हां कलाकारां दीआं खबरां वायरल हुंदियां रहिंदियां हन, पर इस सब दे पिछे दा असल कारण की है कोई भी उसनूं समझण दी कोशिश नहीं करदा। निजी तौर ते मैनूं इह सब पढ़ के बहुत ही दुख लगा सी कि जिहड़े कलाकारां दी आवाज़ सानूं नच्चण लई मजबूर कर दिंदी है जां मोटिवेशन नाल भर दिंदी है, असल विच उस कलाकार दी अपनी जिंदगी किसे नरक तों कट नहीं है। सारे पासे इन्हां कलाकारां दे नाम दे चर्चे हुंदे हन, फैंस अते मीडिया वाले इन्हां दे अग्गे पिछे घूमदे हन, पर असल विच इन्हां कलाकारां दी अपनी जिंदगी एक घुप हनेरे विच हुंदी है, जिस विच प्रेशर, धमकियां अते कई तरह दे थ्रेट्स भी शामिल हन। अते दोस्तों, इस करके जदों सानूं इस बारे इह सब पता लगा तां असीं जिन्ना हो सकिया इह इनफॉर्मेशन लभ के तुहाडे सामने पेश कीती है। सो वीडियो वधिया लगी तां इस नूं लाइक करके अगे शेयर भी जरूर कर देना अते यूट्यूब नूं खुश करन वास्ते लाइक वाला बटन भी दब देना। आपां मिलदे हां किसे नैक्सट वीडियो विच, तद तक लई थैंक यू।